एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू इंडोलोगस। आज की वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड ये हमारा रहने वाला पार्ट 5। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर कंडीशंस इंडिकेट अ सडन ड्रॉप इन बैरोमीटर रीडिंग। तो बैरोमीटर को हम लोग यूज किस लिए करते हैं? टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि बैरोमीटर की रीडिंग के अंदर अगर सडन ड्रॉप हो रही है, मतलब अचानक से उसके अंदर गिरावट आ रही है, तो वो कौन से वेदर कंडीशन को शो करता है या फिर इंडिकेट करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज स्टॉर्मी वेदर। वो क्या शो करता है कि स्टॉर्म आने वाला है। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे वेदर कंडीशंस को शो करता है बैरोमीटर की रीडिंग। तो क्या क्या शो करता है वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि क्या मेजर करता है, राइट। इन्वेंट किसके द्वारा किया गया था? बाय इवेंजेलिस्टा टॉर्सेली के द्वारा। अगर बैरोमीटर की रीडिंग जो है, अगर ये फॉल हो रही है स्लोली, तो वो क्या शो करता है कि रेनफॉल आने वाला है। एंड इफ देयर इज अ हाई रीडिंग इन बैरोमीटर, तो वो क्या शो करता है कि हमारे पास क्लियर और स्टेबल वेदर है, है ना। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर? तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किसकी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये आई थिंक आप लोग इजिली कर पाओगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑप्टिकल फाइबर किस पे वर्क करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करती हैं। तो वो कौन कौन सा हो गया? जैसे कि मिराज। मिराज कैसे बनता है? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड ये कहाँ पे बनता है? डेजर्ट के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। दूसरा हो गया हमारा डायमंड। डायमंड के अंदर भी हमें देखने के लिए मिलता है, राइट। और इसके अलावा हमें ये रेनबो के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। बट याद रखिएगा कि रेनबो के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि हो गया रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन याद रखिएगा, मैं आपको बता रही हूँ, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन हो गया, डिस्पर्जन हो गया। तो हमें रेनबो के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, ये तीनों चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। ओके, सो ये आप चीज़ याद रखिएगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को बनने के लिए हमें, अगर ये दो कंडीशंस को फुलफिल करेगा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो बन पाएगा। तो वो कौन सी दो कंडीशंस हैं? पहला हो गया कि लाइट को मूव करना चाहिए फ्रॉम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, है ना। लाइट को कैसे मूव करना चाहिए? डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर मूव करना चाहिए, याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके अंदर? इन डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम के अंदर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ग्रेटर है देन द क्रिटिकल एंगल, अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो हमारा जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उसके बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये दोनों अगर कंडीशंस फुलफिल करेंगे तभी बन पाएगा। तो याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाटर इज यूज इन कार रेडिएटर बिकॉज ऑफ इट्स। हम लोग वाटर को क्यों यूज़ करते हैं इन कार रेडिएटर, क्यों यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो, कभी भी जब हमारा कार ना हीट हो जाता है ना, तो उस हीट को बाहर निकालने के लिए हम उसके अंदर वाटर डालते हैं, ताकि वो वाटर जो है वो सारी हीट को एब्जॉर्ब कर ले, एंड जिसकी वजह से हमारा कार क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, राइट। तो वो आराम से ईजिली मूव कर पाएगा, इसलिए हम लोग वाटर को डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या होती है? वो हाई होती है, बहुत ज़्यादा हाई। मतलब क्या हो गया कि उसे गर्म होने के लिए, उसको वाटर को गर्म होने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। एंड अगर इसे बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होगा तो ये क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगा, राइट। इसलिए हम लोग वाटर को यूज़ करते हैं कार रेडिएटर में, है ना, इसीलिए यूज़ करते हैं। एंड वाटर क्या हो गया? वाटर क्या काम करता है? ये एज अ कूलेंट का भी काम करता है। एंड हम लोगों ने तो देखा यहाँ पे वाटर के बारे में। अगर हम लोग सैंड की बात करें, सैंड, अगर हम लोग सैंड की बात करें, तो सैंड का जो स्पेसिफिक हीट होता है ये बहुत ज़्यादा कम होता है। मतलब इसको गर्म होने के लिए बहुत कम टेम्परेचर चाहिए, बहुत कम हीट चाहिए, बहुत कम हीट पे भी ये गर्म हो जाता है। एंड क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम होती है, तो ये बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है एंड ये बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, राइट। तो ये जो होते हैं ये भी काम करते हैं किसके ऊपर? स्पेसिफिक हीट पे ही काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, देखो, तो स्पेसिफिक हीट होता क्या है? स्पेसिफिक हीट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। मतलब क्या हुआ? देखो, अगर कोई भी 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है, अगर आपको इसको, मतलब अगर इसका आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, कितना? 1 डिग्री सेल्सियस करना है। तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जितना भी आपको हीट की रिक्वायरमेंट होगी या फिर जितनी भी एनर्जी लगेगी, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन। लाइट किस में फास्टेस्ट ट्रेवल करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ वैक्यूम। क्यों? बिकॉज इसके अंदर हिंड्रेंस बहुत कम होता है, मतलब कि रुकावट बहुत कम होती है, इसलिए।
एंड लाइट क्या है, लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड लाइट क्या होता है, ये बना रहता है एक टाइनी पार्टिकल से, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि लाइट किससे बना रहता है, टाइनी पार्टिकल से बना रहता है, जिसे हम लोग फोटोन बोलते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ऑयल ड्रॉप स्प्रेड ओवर वाटर बिकॉज, देखो ये हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में भी देखते रहते हैं कि अगर हम लोग वाटर के ऊपर अगर ऑयल का ड्रॉप डालते हैं तो वो क्या होता है, वो स्प्रेड हो जाता है, वो फैल जाता है। तो वो क्यों फैलता है, यही क्वेश्चन पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको सरफेस टेंशन के बारे में बताती हूँ, उसके बाद वेलकम बैक टू दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व दिस। तो सरफेस टेंशन होता क्या है, देखो ये वाटर की प्रॉपर्टी होती है टू एक्वायर अ लेस सरफेस एरिया टू हैव अ मैक्सिमम स्टेबिलिटी। वाटर क्या करता है, ये वाटर की प्रॉपर्टी हमने देखा, वाटर क्या करता है, कम से कम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है ताकि इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी आ सके। यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया, व्हेन द एरिया इज मिनिमम स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम, अगर एरिया कम होगा तो इसके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। एंड देखो जो भी हम लोग का लिक्विड होता है, हम लोग को पता है कि अपना स्फेरिकल शेप इसके पास रहता है, एंड ये जो इसका स्फेरिकल शेप है ये कैसे मेंटेन कर पाता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि जो सरफेस टेंशन होता है ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो जो सरफेस टेंशन होता है किसी भी लिक्विड का, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है अगर हम लोग उसका वाटर का अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर दे रहे हैं तो। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो सरफेस टेंशन क्या होगा, कम होगा। तो अगर सरफेस टेंशन कम होगा तो चीज़ें क्या होंगी, स्प्रेड होंगी, है ना, क्योंकि उसके पास स्टेबिलिटी नहीं है ना, तो चीज़ें क्या होंगी, स्प्रेड होने लगेंगी। एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है हमें, इट बिकम्स जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, देखो अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी जो लिक्विड होता है वो एज अ लिक्विड ही एग्जिस्ट करता है। बिकॉज क्या होगा, देखो वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज़ लिक्विड ही एग्जिस्ट करता है, क्यों, बिकॉज अगर आप इससे ऊपर का टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर रहे हो तो वो क्या बन जाएगा, वो वेपर बन जाएगा, है ना, तो वो लिक्विड नहीं रहेगा इसीलिए। तो अगर आपको इसका डेफिनेशन चाहिए तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर एट विच, कोई भी टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस एग्जिस्ट एज लिक्विड, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी सरफेस टेंशन के बारे में। अगर इसके एप्लीकेशंस देखें तो कौन कौन सा इसका एप्लीकेशन है, एक तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दो कौन सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एडिशन ऑफ डिटर्जेंट और सोप डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन ऑफ अ वाटर एंड क्लीन द क्लोथ्स। देखो सरफेस टेंशन किसमें हेल्प करता है, हम लोग को क्लोथ को क्लीन करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, अगर आप डिटर्जेंट या फिर सोप को वाटर के अंदर डाल रहे हो तो वो क्या करता है, वो जो सरफेस टेंशन है लिक्विड का वो क्या करता है, वो डिक्रीज कर देता है। मैंने क्या बताया था, अगर कभी भी सरफेस टेंशन डिक्रीज हो रही है तो चीज़ें क्या होती हैं, वो स्प्रेड होती हैं, राइट, वो स्प्रेड होगा, वो फैलेगा। तो अगर कोई भी चीज़ फैल रही है तो मतलब मान लो ये आपका क्लोथ है ना, एंड सरफेस टेंशन की वजह से वाटर क्या हो रही है, वो फैल रही है, मतलब वो वाटर के हर एक कॉर्नर में घुसेगा एंड इसके अंदर जितनी भी जो डर्ट होंगे या फिर जो डस्ट होंगे उसको निकाल देगा बाहर, तो जिसके वजह से क्या होगा, हमारा क्लोथ क्लीन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन को देखें तो क्या है, वार्म सूप इज टेस्टी। हमें जो गर्म सूप रहता है वो टेस्टी क्यों लगता है एज कम्पेयर टू जो अगर आप ठंडा सूप ले लो तो, क्यों, बिकॉज इसके पास मैंने क्या बताया था, टेम्परेचर क्या है, वार्म सूप है मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, एंड टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब कि सरफेस टेंशन कम है, येस राइट, एंड अगर सरफेस टेंशन कम है मतलब चीज़ें स्प्रेड करेंगी। एंड मान लो ये आपका टंग है, ठीक है, क्योंकि सरफेस टेंशन कम है एंड टेम्परेचर ज़्यादा है तो चीज़ें क्या होंगी, स्प्रेड करेंगी। तो अगर आप सूप को इनटेक करोगे, सूप को अगर आप लोगे तो वो क्या होगा, वो आपके टंग पे पूरे जगह पे फैलेगा, हर जगह, तो जिसके वजह से आपको सूप जो वो टेस्टी लगता है। एंड अगर आप ठंडा ले लो तो क्योंकि उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो जिसके वजह से वो चीज़ें फैल नहीं पाएंगी, मतलब कंप्लीटली आपके टंग पे स्प्रेड नहीं होंगी, जिसकी वजह से आपको वो टेस्टी नहीं लगेगा। सो यही था चीज़ें। क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, अभी क्वेश्चन क्या था, ऑयल जो है वो क्यों स्प्रेड होता है अगर हम लोग उसको वाटर पे डालते हैं तो। तो इसका आंसर भी सेम वही है कि सरफेस टेंशन कम हो जाता है क्योंकि सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द वाटर। वाटर से उसका सरफेस टेंशन बहुत कम होता है इसीलिए, और सरफेस टेंशन अगर कम है तो क्या होती हैं, चीज़ें स्प्रेड होती हैं, यही होती है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ अ हाउस टूवर्ड्स ग्राउंड, व्हेन विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन इज मैक्सिमम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अगर आप कोई भी स्टोन को ड्रॉप करते हो रूफ ऑफ अ हाउस, मान लो ये रूफ है, अगर आप यहाँ से स्टोन को ड्रॉप कर रहे हो टूवर्ड्स द ग्राउंड, ग्राउंड के तरफ, व्हेन विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन इज मैक्सिमम। तो स्टोन का जो काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मतलब यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, मतलब कहाँ पे होगा, क्वेश्चन पूछा गया। देखो
तो अगर यहाँ पे क्या है, चीज़ें क्या है, अभी ये मूव नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हमारा मैक्सिमम रहेगा, एंड काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, हमारी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई मूवमेंट ही नहीं है ना, कोई मोशन ही नहीं है। एंड काइनेटिक एनर्जी किस लिए होता है? इट इज़ ड्यू टू मोशन, वो मोशन की वजह से होता है काइनेटिक एनर्जी। एंड यहाँ पे कुछ भी मोशन नहीं, इसलिए अभी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा? जब ये एकदम ग्राउंड पे रीच करने वाला होगा, इसके जब ये थोड़ा सा ऊपर होगा, तब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी मैक्सिमम होगी। ओके, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को रीच करने से पहले थोड़ा सा ऊपर इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा स्टोन का, मैक्सिमम होगा वहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ अ मैटर। इनडिविजिबल पार्टिकल का मतलब क्या हो गया, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसे हम लोग डिवाइड या फिर स्प्लिट नहीं कर सकते हैं इंटू स्मॉलर पीसेज। ओके, जिसे हम लोग स्मॉलर पीसेज में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। तो एटम्स क्या है, इनडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो डाल्टन की थियरी में और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते, बिकॉज यू नेवर नो वो लोग कौन सा पॉइंट देते, इस बार ये वाला दिया था, नेक्स्ट टाइम दूसरा दे देंगे। सो डाल्टन की जो थियरी थी वो क्या, उसके अंदर और कौन कौन से पॉइंट थे, वो क्या बोलता है कि ऑल द मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल, जिसे हम लोग एटम बोलते हैं। तो जितने भी जो मैटर वो किससे बने हुए, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए, जिसे हम लोग एटम्स बोलते हैं। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। सो एटम क्या है, ये हम लोग ने देखा, जिसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में क्या था। तो एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। वो कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हो सकते हैं, वो कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, ना उसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर कोई भी जो एटम है किसी भी एलिमेंट का, वो क्या होता है, वो आइडेंटिकल होते हैं अपने मास में एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब अलग अलग जो एलिमेंट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेज, इनके पास इनका मास भी अलग अलग होगा एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, एटम क्या होता है, एटम कंबाइन होता है स्मॉल होल रेशियो, स्मॉल होल नंबर के रेशियो में, ताकि जो है ये क्या कर सके, कंपाउंड को फॉर्म कर सके। लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कोई भी जो हमारा गिवन कंपाउंड है, उसके अंदर इसका रिलेटिव नंबर एंड इसका एटम क्या होते हैं, वो कॉन्स्टेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, आप याद रखना, बिकॉज क्वेश्चन किसी भी पॉइंट पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीमेंट इज मेड हार्ड विथ। तो सीमेंट जो है हार्ड कैसे बनता है, देखो मतलब ये भी वही है, डे टू डे लाइफ फिनोमिना से ये रिलेटेड है। आपने देखा होगा कभी भी जब हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट के अंदर वाटर डालते हैं, राइट। सीमेंट के अंदर जब हम लोग वाटर डालते हैं, तो इससे क्या होता है, वाटर जो है इसके बाद डिसोसिएट हो जाता है, एंड वाटर डिसोसिएट होता है, उसके बाद क्या होता है, वाटर उड़ जाता है। तो वाटर जब उड़ जाता है, उसके बाद क्या होता है, हमारा जो सीमेंट है वो हार्ड हो जाता है। तो हम लोग ने क्या किया, पहले वाटर इसके अंदर ऐड किया, फिर उसके बाद वाटर का डिसोसिएशन हुआ, एंड देन उसके बाद वाटर जो है वो उड़ गया। तो इसके बाद ही हमारा सीमेंट क्या होता है, हार्ड हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज़ हाइड्रेशन, मतलब कि हम लोग वाटर को ऐड करें एंड इसका डिसोसिएशन हो रहा है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एंड अगर आपसे कोई पूछे कि सीमेंट है क्या, तो ये क्या है, ये सिलिकेट्स है ऑफ कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री एलिमेंट्स मोस्ट नीडेड इन कॉमन फर्टिलाइजर्स आर। तो देखो, फर्टिलाइजर्स के अंदर जनरली क्या रहता है, NPK रहता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सॉइल होती है वो इसी के अंदर डिफिशिएट होती है, तो सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए हम लोग उसके अंदर NPK ऐड करते हैं, ताकि मतलब वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाए। तो NPK क्या होता है, NPK का मतलब हो गया नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। NPK मैंने बताया था ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसके अंदर प्रेशर, उसके अंदर जो प्रेशर रहता है, वो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम लोग उसके अंदर कौन सा गैस डालते हैं। ओके, प्रेशर को क्रिएट करने के लिए उसके अंदर हम लोग कौन सा गैस डालते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज हम लोग उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं। एंड अगर आपसे यहाँ पे गैस ना पूछ करके, मतलब कि सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो हम लोग जो प्रेशर क्रिएट करते हैं उसके अंदर
उसके लिए क्या चीज़ चाहिए रहता है, अगर वहाँ पे गैस ना हो उसके बदले आपको अगर एसी दे दे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड। एंड कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है, अगर आप H2O प्लस CO2 करो तो H2O प्लस CO2 मिला करके क्या बनता है हमारा, कार्बोनिक एसिड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो इनमें से कौन सा जो है इनमें से कौन सा जो है चीज़ें, इन कौन से ऑब्जर्वेशंस जो है ये हम लोग को बताती है कि केमिकल रिएक्शन ने टेक प्लेस किया है। तो चेंज इन स्टेट, यस चेंज इन स्टेट तो होता है, एमिशन ऑफ गैस, यस गैस भी निकलती है, एंड चेंज इन कलर ये भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वेयर इज द रोडोप्सिन ऑल्सो कॉल्ड विजुअल पर्पल। याद रखिएगा सबसे पहले तो क्वेश्चन यही हो गया कि रोडोप्सिन को हम लोग क्या बोलते हैं, विजुअल पर्पल बोलते हैं। तो ये कहाँ पे लोकेटेड रहता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज आई। ये हमारे आई के अंदर लोकेटेड रहता है, और आई में भी कहाँ पे, इन रॉड्स ऑफ रेटिना, रेटिना के अंदर। तो मैंने आपको बताया रेटिना पे कैसी इमेज बनती है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा रेटिना पे कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है रेटिना के ऊपर। एंड ये क्या होता है, ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं टू लाइट एंड दस इनेबल विजन इन लो लाइट कंडीशंस। तो ये क्या होते हैं, जो रॉड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट सेंसिटिव होते हैं, और ये हम लोग को हेल्प करते हैं किसमें, ताकि हम लोग जो लो लाइट कंडीशन होगी उसके अंदर भी हम लोग देख सकें। सिमिलरली जो है इसके पास और भी बहुत सारे लाइट रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि हो गया कोन्स, एंड कोन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर विजन इन ब्राइट लाइट। तो रॉड किस लिए होते हैं, फॉर विजन इन लो लाइट, एंड कोन्स किस लिए होते हैं, ब्राइट लाइट में, ताकि जो जब ज़्यादा लाइट हो तभी भी हम लोग जो है प्रॉपर अच्छे से देख पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमनली यूज स्पाइस इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि क्लोव को हम लोग जो कि एक मसाला है, इसे हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज फ्लावर बड से निकालते हैं। एंड फ्रूट क्या होता है, फ्रूट जो होता है ये एक राइपन ओवरी होता है, क्या होता है ये राइपन ओवरी होता है, एंड हम लोग इथाइलिन, ठीक है, हम लोग इथाइलिन यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इथाइलिन को हम लोग यूज़ करते हैं, क्यों, ये हेल्प करता है किसके अंदर, इन राइपनिंग ऑफ फूड, फूड को फूड के पकने में ये हेल्प करता है, कौन, इथाइलिन, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है इथाइलिन के बारे में। सो विच अमंग द फॉलोइंग लिविंग बींग हैज़ रेस्पिरेटरी ऑर्गन बट नॉट हैव ब्रेन। तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सा लिविंग बींग है जिसके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो है बट उसके पास ब्रेन नहीं है, याद रखिएगा ब्रेन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज स्टार फिश। स्टार फिश के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है लेकिन ब्रेन नहीं होता है, एंड स्टार फिश को आप क्या बोल सकते हो, इसको आप सी फिश भी बोल सकते हो, सी फिश भी बोल सकते हो। और ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, इकाइनोडर्मेटा। तो मैंने इसके पहले एनिमल किंगडम पे वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो, बिकॉज उसमें मैंने सारे फाइलम को एक्सप्लेन किया है कि कौन सा जो है किसके अंदर बिलोंग करता है, तो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो। एंड अगर सिल्वर फिश के बारे में बात करें तो ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, आर्थ्रोपोडा। एंड आर्थ्रोपोडा क्या होता है, ये हमारा लार्जेस्ट फाइलम है, याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है तो उसका आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। तो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होगा, सेकेंड लार्जेस्ट है हमारा मॉलिस्का, बिकॉज हम लोग फर्स्ट तो याद रख लेते हैं लेकिन सेकेंड को हम लोग भूल जाते हैं, तो सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो गया, मॉलिस्का हो गया। एंड ब्लड सकर यानी कि लीच, है ना, लीच कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है एनीलिडा फाइलम से। तो ये सारे एग्जाम्पल है, याद रखिएगा बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, ज़ीरोफ्थैल्मिया इज अ डिफिशियंसी डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ। तो ज़ीरोफ्थैल्मिया जो है ये एक डिजीज है, किसकी कमी से होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। एंड इसके अलावा विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है, ओके याद रखिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है। एंड इसको, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल। तो हम लोग अभी सारे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि वो क्या क्या है। तो देखो विटामिन ए के बारे में हम लोग देख लिया, विटामिन B1 क्या है, बी के अंदर बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको B1 के बारे में बता रही हूँ। B1 क्या हो गया, ये इसको हम लोग बोलते हैं थायमिन, एंड इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। विटामिन सी को हम लोग बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड, एंड इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी।
विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सिफेरॉल, एंड इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया होता है। रिकेट्स याद रखिएगा, ये किसके अंदर होता है, ये होता है चिल्ड्रन के अंदर, बच्चों के अंदर होता है, एंड ऑस्टियोमलेशिया किसके अंदर होता है, एडल्ट्स के अंदर, बड़ों के अंदर होता है। सो अब हमारा है ये क्वेश्चन, आपको इसका आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन फॉर अ इमीडिएट एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल्स। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप कौन सी चीज़ें लेती हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या है, प्रोटीन, विटामिन सी, सुक्रोज या फिर ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर है। अगर आपको इसके फ्री PDFs चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। See you in the next video. Till then, take care. Jai Hind.